यह पद्धति अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होती है, लेकिन फ्रांस की राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय संसद में सामान्यतः ऐसी दलीय स्थिति होती है जिससे इसे अपनाना कठिन होता है। व्यवहार के अंतर्गत पंचम गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति दी गॉल के द्वारा संविधान में संशोधन की पद्धति को मनमाने तरीके से प्रयोग किया गया। संविधान में यह भी कह दिया गया कि देश के भूभाग अर्थात गणतंत्रात्मक स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। फिर है उसके बाद लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। 1946 में के संविधान की भांति ही 58 के संविधान में भी लोकप्रिय संप्रभुता को अपनाया गया। संविधान का प्रथम अध्याय संप्रभुता से ही प्रारंभ होता है और धारा 3 में कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा या जन्म संग्रह के द्वारा करेगी। यद्यपि संविधान का निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जन्म संग्रह में इसे भी भारी समर्थन प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि संविधान जन इच्छा का ही परिणाम है। फिर अगली विशेषता पर आते हैं हम, संविधान का जनतंत्रीय या गणतंत्रीय स्वरूप। चतुर्थ गणतंत्र की प्रथम धारा में संविधान की गणतंत्रीय रूप का उल्लेख किया गया है। पंचम गणतंत्र की धारा 2 में राज्य के जनतंत्रीय और गणतंत्रीय रूप का उल्लेख करते हुए फ्रांस को एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। संविधान की धारा 89 में यह भी कह दिया गया है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए राज्य स्थापित करता है और राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित है। फ्रांस में संवैधानिक संशोधन आदि कार्यों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण जन्म संग्रह को भी अपनाया गया है। इस दृष्टि से फ्रांस के गणतंत्र को ब्रिटेन की तुलना में अधिक लोकतंत्रात्मक राज्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने 6 विशेष 7 विशेषताएं देख ली हैं, जिनमें संविधान की प्रस्तावना, संकटकाल का शिशु, निर्मित लेकिन बिना संविधान, लिखित संविधान, कठोर संविधान, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। धन्यवाद।